यानी आज 12 तारीख को सुबह सुबह आपको हम एक खबर बता दें कि रात भर जो सियासी हलचल 11 तारीख को रात के सियासी हलचल जो चला है उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या तेजस्वी यादव अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या नीतीश कुमार अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से रात में ऑपरेशन चला है, पूरी रात हलचल की रात थी, उसी के बीच जो रात का खबर है वह आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट के पहले बिहार में बड़ी हलचल। जीतन राम मांझी का मोबाइल स्विच ऑफ है, यानी सूत्रों से पता चला है कि जीतन राम मांझी का जो फोन है वह स्विच ऑफ है। और आरजेडी के तरफ से एक अधिकृत जो है, जो फेसबुक पर पोस्ट किया गया है, ट्वीट किया गया है, वह हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सरकार जाने के डर से हजारों संख्या में पुलिस भेजकर तेजस्वी आवाज पर चारों तरफ से घेर लिया है। एक किसी भी तरह से किसी भी बहाने आवास के अंदर घुसकर विधायकों के साथ अप्रिय घटना करना चाहते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार के पुलिस की कुकर्म देख रही है। याद रहे, हमें डरने और झुकाने वाले में नहीं है, ये वैचारिक का संघर्ष है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि बिहार की न्यायप्रिय जनता इस पुलिसिया दमन का प्रतिकार करेगी। जय बिहार, जय हिंद। तो आपको बता दें, यह राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह पोस्ट था। तो रात में जो सियासी हलचल हुआ है, तेजस्वी यादव के घर से एक विधायक यानी चेतन आनंद को पुलिस ने उठाकर ले गई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव के पक्ष में वे वोट करते हैं या नहीं करते हैं। आपको बता दें कि अभी नीलम देवी जो कि आरजेडी से विधायक है, मोकम्मा के विधायक है, अनंत सिंह की पत्नी है, क्या वे भी अपना आरजेडी के प्रति वोट कर सकती है या नहीं कर सकती है, देखना दिलचस्प होगा। या तेजस्वी यादव अपने बहुमत को सिद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बहुमत सिद्ध करने से पहले जो स्पीकर का कुर्सी होता है वह अवध बिहारी चौधरी बैठेंगे या हजारी महेश्वर हजारी बैठेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से पुलिसिया दमन रात भर चला है, या तेजस्वी यादव को शंका है कि उनकी कुछ विधायक जो है उनके विधायक को तोड़ा गया है, और जिस तरह से जदयू और एनडीए के जो विधायक का स्विच ऑफ फोन बता रहा था, ये लोग भी अपना अब्सेंट रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि क्या कुछ होता है, तो पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और तेजस्वी यादव बहुमत सिद्ध कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।